हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट NSDL से अगर आप पैन कार्ड अप्लाई किए हैं तो अगर स्टेटस चेक करते हैं तो अगर आपका इस तरीके का, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इस तरीके का स्टेटस शो होता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि पैन कार्ड आपका जल्दी जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर आपको पहले अप्लीकेंट टाइप में अपना जो भी एक्नोलमेंट नंबर मिला है उसको हम फिल कर लेते हैं। आपको फिल करके दिखाते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो भी डाटा दी गई है, मैं अपने एक्नोलमेंट नंबर फिल करता हूँ। फिर इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चर शो हो रहा है उसको प्रॉपर आप फिल कर लीजिए। और इसका हमें क्या सलूशन है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है कि आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर आपका मिल चुका है और यहाँ पर आपको एक्नोलमेंट नंबर आपका है। मेरा पैन कार्ड करेक्शन में दोस्तों गया था, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम शो होगा, उसके बाद इंडिविजुअल नेम शो होगा, इंडिविजुअल कैटेगरी का पैन कार्ड है। और यहाँ पर इस तरीके का मैसेज होता है, योर एप्लीकेशन न्यू पैन कार्ड एंड चेंज करेक्शन इन डाटा इन अंडर प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि जो भी आपने डाटा दिया था वो डाटा अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अंडर प्रोसेस है, अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों ये कब तक क्लियर होता है, दोस्तों हम बता दें, अगर आपने करेक्शन करवा रखा है तो इसमें आपको लगभग इस समय टाइमिंग जो लग रही है 1 महीने की टाइमिंग लग रही है। अगर आपने करेक्शन करवा रखा है तो ऐसी स्थिति में आप यह ध्यान रखिएगा, 1 महीने टाइम लग सकती है उसको अपडेट होने में। जैसे 1 महीने के अंदर आप 30 दिन के अंदर अंदर आपका अपडेट हो जाएगा, आपका नेट पर चढ़ जाएगा और यहाँ पर आपका अंडर प्रोसेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों बता दें, अगर नया बनवा रखा तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है यहाँ पर नए की जो प्रक्रिया होती है वो तो 3 से 4 दिन होती है, लेकिन कम से कम आपको 15 दिन वेट कर लेना है जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यहाँ पर बाहर आ जाए। तो आपको अगर इसका इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं इनको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के या NSDL का। आप केवल कमेंट करिएगा कि मुझे इस यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जिससे कि आप जो है NSDL या UTI के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके अपना डिटेल्स को वेरीफाई करा करके अपना पैन कार्ड जल्दी से अप्लाई करवा करके या करेक्शन करवा करके अपने बाई पोस्ट या मेल पर रिसीव कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, लगभग आपको 30 दिन वेट करना है। वेट करने के बाद इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने जो प्रॉब्लम है बता देना है, जिससे कि वहाँ से क्लियर हो जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर। फिर इसके बाद आपको बाय पोस्ट रिसीव हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।